हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इश्यू ऑफ शेयर्स का ये क्वेश्चन है और हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है डीके गोयल की बुक से। ठीक है जी, आइए तो क्वेश्चन का गिवन पार्ट एक बार समझ लेते हैं, रीड करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है, अ कंपनी इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। यानी कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है, ठीक है, ₹10 फेस वैल्यू है शेयर की और ₹1 प्रीमियम लेगी कंपनी, यानी टोटल ₹11 लेगी पर शेयर कंपनी। आइए, पेमेंट इज टू बी मेड एज फॉलोज। अब पेमेंट कैसे होनी है जी? पेमेंट कहता है एप्लीकेशन पर आपने ₹3 देने हैं, अलॉटमेंट पर ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम ₹1 है तो फेस वैल्यू के ₹3 आएंगे और ₹1 प्रीमियम आएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर उन्होंने बोला है ₹2 और फाइनल कॉल भी ₹2 का है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन कहता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई? 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब इनमें शेयर्स कैसे देने हैं? क्वेश्चन बताता है, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, यानी उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया, निल शेयर दिया आपने। एन अलॉटमेंट वॉज मेड प्रपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 5,000 अगर रिजेक्ट हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे जी? 15,000। 15,000 को आपने प्रपोर्शनेटली यानी प्रोराटा पर दे दिए 10,000 शेयर्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमें कहता है, द डायरेक्टर्स मेड बोथ कॉल्स एंड ऑल मनी वर रिसीव। कहता है दोनों कॉल की गई हैं और सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट। अब जिनका पैसा रिसीव नहीं हुआ मैंने यहां लिखा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। कहता है एक्सेप्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। कहता है आपको 400 शेयर्स पर नहीं मिला। नहीं मिला क्या? ना तो अलॉटमेंट मिला ना ही कॉल मनी मिली। जब मैं कॉल मनी की बात कहता हूं तो इसमें दोनों हो जाते हैं, फर्स्ट कॉल भी आता है एंड सेकंड कॉल भी आ जाती है, ठीक है। कॉल मनी है दोनों ये, ठीक है, दोनों पैसा नहीं मिला। आगे क्वेश्चन कहता है, विच वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। अब ये पैसा नहीं मिला इसलिए हमने ये शेयर क्या कर लिए जी? ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिए सेकेंड कॉल ना मिलने के बाद, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन कहता है, लेटर 300 ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एज फुली पेड अप एट द रेट ₹15 पर शेयर। इसके बाद हमने क्या किया? इन 400 में से 300 शेयर री इश्यू कर दिए एज फुली पेड अप एट द रेट 15 पर शेयर, ठीक है। ₹15 मंगाए हैं हमने ₹10 के शेयर के लिए, तो ₹5 हमारे पास प्रीमियम के आ गए। इसके बाद देखें आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। यानी जो ऊपर चीजें हुई हैं इनकी जर्नल एंट्री कीजिए। आइए, तो सबसे पहले तो 20,000 एप्लीकेशन आई हैं और पर एप्लीकेशन ₹3 आए हैं, इसकी हम एंट्री करें। आइए जी, तो कंपनी का नाम तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है, ए लिमिटेड कंपनी बोला है, ठीक है। आइए, तो जर्नल एंट्रीज लिखे हम लोग, पहली एंट्री करेंगे, सॉरी, हाँ जी, पहली एंट्री में हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। किस चीज के लिए आया पैसा? पैसा आया शेयर एप्लीकेशन के लिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया है? पैसा आया है 20,000 शेयर्स पर ₹3, यानी कि ₹60,000। ₹60,000 आए हैं आपके पास। नरेशन क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स, या 20,000 एप्लीकेंट से आपको पैसा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? ये पैसा जो है एप्लीकेशन का उठाएंगे और इसे नेसेसरी जहां जहां ट्रांसफर करना है वहां ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट किया। क्रेडिट कहां जाएगा? देखो, कुछ पैसा तो जाएगा शेयर कैपिटल में। कितना जाएगा जी? शेयर कैपिटल में जाएगा आपका 10,000 शेयर्स पर ₹3, यानी कि 30,000। कुछ पैसा, क्योंकि 15 वालों को 10 दिए तो उनके 5,000 पे जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा ये अलॉटमेंट के लिए रख लेंगे, वो चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। कितना जाएगा? 5,000 पर ₹3, यानी कि ₹15,000। और रिमेनिंग का क्या करेंगे? रिमेनिंग को आप ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे जी? आप ट्रांसफर कह रहा हूं, सॉरी, आप इसे रिफंड कर देंगे। जिन 5,000 को आपने कुछ भी नहीं दिया उनका पैसा रिफंड होगा, तो वो क्या लिखेगा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 5,000 शेयर्स पर ₹3, यानी ₹15,000। अब देखो, टोटल 60,000 का हिसाब हो गया। देखिए,
इन तीनों का टोटल करो 60,000 ही आ रहा है, ठीक है। नरेशन क्या हो गई, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, रिजेक्टेड को आपने रिफंड कर दिया जी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे जी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू, किस चीज के लिए पैसा आ रहा है जी, ये पैसा आ रहा है दो चीजों के लिए, एक तो प्रीमियम के लिए और फेस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जो प्रीमियम के लिए आएगा वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम के लिए आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और जो कैपिटल के लिए आएगा वो शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा, वही हमारे शेयर कितने हैं 10,000, तो 10,000 पर 4 रुपए मंगाने हैं आपने, यानी कि 40,000 रुपये। 10,000 पर 3 रुपए कैपिटल के फेस वैल्यू के, और 10,000 पर 1 रुपए का प्रीमियम, यानी कितना हो गया जी 30,000 फेस वैल्यू के और 10,000 प्रीमियम का। नरेशन क्या हो गई, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अगला काम क्या है जी, अगला काम है हमारा कि अलॉटमेंट का पैसा कितना आया। अलॉटमेंट का वैसे 40,000 आना चाहिए, और 40 में से आपके पास 15,000 पहले ही आ रखा है, ठीक है। यानी फिलहाल तो 25 आना चाहिए, बट क्वेश्चन कहता है कि 400 शेयर पर हमें नहीं मिला, ना तो अलॉटमेंट मिला, ना फर्स्ट कॉल मिला, ना सेकेंड कॉल मिला। अब यहां पर इन 400 शेयर की बात करें अगर हम अलग से, तो देखिए एक वर्किंग नोट बना रहे हैं आपके साथ। वर्किंग नोट नंबर वन देखिए, आप अगर बात करें, ये मैं लिख रहा हूं, एक्सेस रिसीव्ड ऑन 400 शेयर्स, ठीक है। एक्सेस कितना रिसीव हुआ था 400 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन की बात करें, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इनको, जिनको 400 आपने दिए हैं अलॉट किए, इन्होंने मांगे कितने थे। देखो जिन्होंने 15,000 मांगे थे उनको आपने 10,000 शेयर दिए थे, यानी कि जिसने एक शेयर मांगा था उसको आपने 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 शेयर दिए थे, यानी कि ठीक है। ये तो कैसे आता, ये एप्लीकेंट से आता था, ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है, बट हमारे पास क्या गिवन है, अलॉटेड, ये 400 अलॉटेड है ना, तो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करो, ठीक है, इसे इधर ले आओ। फिर आप ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी हो गया कि जिनको एक शेयर मिला है उन्होंने कितने मांगे होंगे, उन्होंने मांगे होंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यानी जिन्होंने जिनको 400 मिले हैं उन्होंने कितने मांगे थे, 15,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 400। जरा निकालो कितना अमाउंट आएगा, जरा मुझे बताइए, 400 के, जिन्होंने 400 मिले हैं जिनको, उन्होंने मांगे कितने थे, कितने बता रहे हैं 600, ठीक है। ये 600 आ गया जी हमारे पास, इन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो पैसा कितने दिया था इनसे, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी हमें, एप्लीकेशन मनी आई थी 600 गुना में 3 रुपए आए थे जी, 3 रुपए, तो यानी 1,800 आए थे। इनके हमने एडजस्ट कितने किए, एडजस्ट टू कैपिटल कितना हुआ जी, कैपिटल पर एडजस्ट हुआ 400 गुना में 3, यानी 1,200 रुपए। यानी एक्सेस कितना था इनका एप्लीकेशन पर, 600 रुपए, 600 रुपए इन्होंने एक्सेस दे रखे थे जो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिए। अब अगली बात करें, इनसे अलॉटमेंट पर ड्यू कितना था, अलॉटमेंट पर इनका आना चाहिए था 400 पर 4 रुपए, यानी 1,600 रुपए। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, एक्सेस जो पहले था उसे आप ऑलरेडी रिसीव कह सकते हैं, ये वाला यहां पे यूज कर लेते हैं, मैंने कहा 600 यूज कर लो, तो अभी भी कितने नहीं आए, नॉट रिसीव अलॉटमेंट के इनसे 1,000 रुपए नॉट रिसीव्ड, 1,000 रुपए नहीं आए, क्या ये बात क्लियर है, 1,000 ही आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1,000 रुपए, ठीक है। चलिए अब 1,000 रुपए आपको अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए हैं, ये बात क्लियर हो गई। आइए तो जब मैं पैसा लिखता आएगा तो मैं कहता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, आना कितना चाहिए था 40,000, पर आएगा कितना जी 39,000 वैसे तो, बट 25,000 और भी पहले आ चुके हैं, ठीक है जी। मुझे बताओ ये मैंने सही तो किया है ना, एक मिनट,
हमारे पास अलॉटमेंट का 1,000 रुपये नहीं रिसीव हुआ, ठीक है? तो हमें रिसीव कितना होना चाहिए था, जरा ये देखें, यहां मैं लिख देता हूं। देखो हमारे पास 40,000 आने चाहिए थे, ठीक है जी? इस 40 में से हमें 15,000 पहले ही आ चुके हैं, और अब कितने नहीं आए? अब हमें वैसे तो देखो यहां देखना, ये हमें ये 1,000 रुपये नहीं आए हैं, आने चाहिए थे ना ये भाई। 400 शेयर पर आपके 4 रुपए आने चाहिए थे, 400 शेयर ही हमने फॉरफिट किए हैं, उस पर हमें ऑलरेडी पहले 600 रुपए रिसीव हो रखे हैं, तो ये अब हमें बाकी 1,000 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो ये भी माइनस करो यहां से। हाँ जी, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 25-24 हजार रुपये आ जाएगा। ये 24,000 आपको रिसीव हो गए, ठीक है? डेबिट में नहीं, क्रेडिट क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है? कितना, 24,000 रुपये। नरेशन क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स, 400 शेयर को छोड़कर बाकी सबसे पैसा आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अब क्योंकि जो फॉरफिट हुए हैं 400 शेयर, ये सेकंड कॉल के बाद हुए हैं, तो फर्स्ट कॉल अभी करते हैं हम लोग। एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है? फर्स्ट कॉल डेबिट हो गया, किस चीज के लिए हुआ है, शेयर कैपिटल के लिए। यहां तो प्रीमियम है नहीं, आपके शेयर कितने हैं 10,000, और आपको फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना मंगवाना है, 2 रुपए, तो 10,000 गुना में 2 यानी 20,000 रुपये मंगवाना है। 20,000 आपने मंगवाना है, तो आपने क्या लिखा, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। इसके बाद एंट्री नंबर 6 पर आओ, फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद रिसीविंग की बात करेंगे, तो 400 से पैसा नहीं आया है, ठीक है? आइए बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक पे आएगा आपके पास 9,600 गुना में 2, क्योंकि 400 का नहीं आया, जो नहीं आया वो कॉल इन एरियर बना ले, कॉल इन एरियर अकाउंट कितना, 400 पर 2 रुपए, यानी 800 रुपए नहीं आए, बाकी 20,000 में से कितने आ गए, 19,200 रिसीव हो गए। ये बात क्लियर है? चलिए, तो 20,000 का हमारा जो डेटर था शेयर फर्स्ट कॉल खत्म कर लिया हमने, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है? इसके बाद हमारे पास अगला आएगा, यह लिखें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स, कहता है 400 शेयर को छोड़कर बाकी पैसा आ गया। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 पर। एंट्री नंबर 7 में क्या करेंगे हम लोग, अब ड्यू करते हैं सेकंड कॉल को। सेकंड कॉल ड्यू करो, एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लीजिए जी, शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए, सेकंड कॉल का भी कितना है, 2 रुपए है ना, ठीक है? तो 10,000 गुना में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना आ गया जी, 20,000 रुपये ये आना चाहिए कैपिटल के लिए। नरेशन, सेकंड कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। चलिए इसके बाद चलें हम लोग अब रिसीव करें इस पैसे को। अब रिसीव करते समय दोबारा ध्यान देना है कि 400 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो यहां पर भी कितना पैसा आएगा, वही 19,200 जो फर्स्ट कॉल पर आया था। 400 पर नहीं आया तो 9,600 पर आया है, 2 रुपए, जो नहीं आया वो कॉल इन एरियर बन गया। कितने पर, 400 पर 2 रुपए नहीं आए, यानी 800 नहीं आए, 19,200 आए हैं। क्रेडिट क्या होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना हो गया जी, 20,000 रुपये हो गया, ठीक है? नरेशन क्या आ गई, सेकेंड कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स, 400 शेयर को छोड़कर बाकी पैसा आ गया। अब उसने कहा है सारी कॉल करने के बाद आपको ये 400 शेयर फॉरफीट करने हैं, तो जब फॉरफीट करोगे तो एंट्री नंबर 9 पर आते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है? कितने से, 400 पर, क्योंकि पूरे 10 मंगवाए थे, तो आपके पास 4,000 रुपए आ गए।
इसके बाद अगली चीज प्रीमियम की बात आती है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, प्रीमियम पर आपको बताना पड़ेगा कि प्रीमियम रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर बात करें आपकी, यहां ये शेयर है ना, ये देखिए, इनसे हमें यहां पर ये ₹3 इसमें, इस चार में ₹3 कैप फेस वैल्यू के हैं और ₹1 प्रीमियम का है, ठीक है, ₹1600 बनते हैं। इस व्यक्ति ने केवल ₹600 पहले के दे रखे थे। तो अब ये आपकी एजम्पशन है, ये ₹600 कैपिटल के आए थे या प्रीमियम के आए थे। आपको एजम्पशन वो लेनी है जिसमें काम ज्यादा हो, यानी आपने एजम्पशन ये लेनी है कि शेयर प्रीमियम का पैसा नहीं आया। काम ज्यादा कैसे होगा, प्रीमियम नहीं आया तो रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए काम ज्यादा हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक नोट भी दे सकते हैं, मैं यहां भी लिख दूंगा प्रीमियम नहीं आया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 400 शेयर पर ₹1 के हिसाब से प्रीमियम नहीं आया, तो ₹400 का प्रीमियम नहीं आया। जो आ चुका पैसा वो कहां जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा। आपको पता है इन 400 शेयर पर आपको टोटलिटी में ₹1800 मिले थे, तो जो ₹1800 मिले थे वो कैपिटल के मिले थे, क्योंकि प्रीमियम के तो मिले नहीं, तो वो कहां जाएंगे, फॉर फ्यूचर में, आप उन्हें फॉरफिट कर लेंगे। आइए जी, ठीक है, इन्होंने ₹1800 दिए थे आपको। चलिए इसके बाद अगला पार्ट लिखे हम लोग, जो नहीं आया। देखो इनका कुछ शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का कितना नहीं आया ध्यान दो, अलॉटमेंट पे आपने इनसे यहां लीजिए ₹1600 मंगवाए थे, 600 पहले आ चुके, तो अब कितने नहीं आए, 1000 नहीं आए। तो जो नहीं आए वो डेटर बने हुए, खत्म करो उसे ₹1000 से, ठीक है। इसके बाद कॉल का पैसा भी नहीं आया, जिसे हमने कॉल इन एरियर के नाम से डेटर बना रखा है, उसे भी खत्म करो। वो कितना था जी हमारे पास, कॉल इन एरियर था ₹800 इस बार के और ₹800 पिछली बार के, देख रहे हो ना, ये 800 यहां पे और 800 ये कॉल इन एरियर, यानी ₹1600 आपके पास नहीं आए हैं, वो भी डेटर बना हुआ है, उसको भी खत्म करो 1600 से। अब एक बार टोटल करो इन सब का, ये तो 4400 बन रहा है ना, इनका भी टोटल करो। देखो ये 3000 तो यही बन रहा है, 3 और ये 38 4400 ये बन रहा है, इन दोनों साइड बराबर हो गए, तो आपके शेयर फॉरफिट हो गए। 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है, फॉरफिट कर लिया। अब अगला एंट्री क्या होगा, री इश्यू का। तो क्वेश्चन ने कहा है इस 400 में से 300 शेयर री इश्यू कर दो ₹15 के हिसाब से, तो आइए री इश्यू करें। बैंक में पैसा आ जाएगा जी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 300 पर ₹15 आएंगे, 300 पर 15 का मतलब कितना हो गया जी, ₹4500, ठीक है। अब इस ₹15 में से ₹10 तो कहां जाएंगे, शेयर कैपिटल में, ये लीजिए शेयर कैपिटल में कितना, 300 पर ₹10, यानी कि 3000। और बाकी ₹5 जो एक्स्ट्रा आए वो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एक्स्ट्रा मिला है ना शेयर पर, 300 में ₹5, यानी कि ₹1500 हो गया जी। तो 300 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट 15 ईच, ₹15 के हिसाब से रीइश्यू कर दिए। अब इसके बाद अगला काम क्या बनता है, अगला काम यह है कि जो 300 शेयर रीइश्यू हो चुके हैं इनका फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर किया जाए आफ्टर रीइश्यू जो भी है कैपिटल रिजर्व में। तो ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या आएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। कितना, देखिए ध्यान से मैं आपको बताऊं हमने फॉरफिट कितना किया है, फॉरफिट हमने किया है ये देखिए, हमने फॉरफिट किए ₹1800, ये ₹1800 400 शेयर पे फॉरफिट किए हैं, ध्यान रखना। तो यहां वर्किंग नोट निकालो इसका कि कितना ट्रांसफर होगा, देखिए अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व ऑन 300 शेयर्स, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए आपके पास 400 शेयर पर फॉरफीचर का बैलेंस कितना है जी, ₹1800, इसका मतलब हो गया आपके पास एक शेयर पर कितना बैलेंस है, 1800 डिवाइडेड बाय 400। तो मैंने कहा फिर बता दो 300 पर कितना है आपके पास, 300 शेयर पर कितना बैलेंस है, ये अमाउंट, ये क्या है, ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। चलिए तो 300 पर कितना हो गया जी, 1800 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 300। तो जरा मुझे बता दीजिए कितना अमाउंट आ रहा है जी, ये कितना बता रहे हैं, 1350 रुपए बता रहे हैं
कि हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है, ठीक है। अब ये शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है 1350 रुपए का 300 शेयर पर, ये यूज तो हुआ नहीं है रीइश्यू के समय, रीइश्यू में कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो पूरे 1350 रुपए ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। आइए ट्रांसफर करें, 1350, 1350। और नरेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ऑन 300 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ये। चलिए तो यहां पर हम जाकर हमारी एंट्रीज खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद कुछ और है नहीं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं एंट्रीज आपको दोबारा से सारी एंट्री दिखा देता हूं, ये लीजिए। तो सबसे पहली आपकी एंट्री है जी, ये एंट्री नंबर वन, इसमें क्या किया आपने, एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया। एंट्री नंबर टू, इसमें आपने एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट किया कहां कहां भेजना है। एंट्री नंबर थ्री, अलॉटमेंट ड्यू हुआ। एंट्री नंबर फोर, अलॉटमेंट का पैसा आया। एंट्री नंबर फाइव में फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ। एंट्री नंबर सिक्स फर्स्ट कॉल सॉरी फर्स्ट एंट्री नंबर फाइव में फर्स्ट कॉल ड्यू किया। एंट्री नंबर सिक्स में फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ। एंट्री नंबर सेवन में सेकेंड कॉल ड्यू किया। एंट्री नंबर एट में आपने सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव किया। एंट्री नंबर नाइन आपकी क्या है, फॉर फ्यूचर की, जो आपने शेयर फॉरफिट किए हैं वो। एंट्री नंबर 10 आपने रीइश्यू किया है, ठीक है, उसकी एंट्री है। और एंट्री नंबर 11 जो है आपकी, ये क्या है जी, जो आपने रीइश्यू कर दिए शेयर, उनका फॉर फ्यूचर का बैलेंस ट्रांसफर करना है कैपिटलिज्म में, ये एंट्री है, ठीक है। तो आप इन्हें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको कोई वर्किंग नोट देखना हो तो आप यहां से देख सकते हैं, जैसे ये था कि 300 पर कितना बैलेंस बचा हुआ है ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा ये हमने वो जो 600 अप्लाइड था, देखो 400 मिले थे, ये 600 नंबर निकालना था यहां से, और उसके आगे हमने वर्किंग की थी कि इनका कितना पैसा नहीं आया था अलॉटमेंट का, 1000 रुपए वाली बात, ठीक है। बाकी तो और कुछ है नहीं ऐसा, ये वही था, ठीक है। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।